ओप्पो A520 डिवाइस में एंड्रॉइड 11 का न्यू बिट F.12 प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यार आज के वीडियो में हम इस अपडेट का करेंगे फुल रिव्यू एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आपके फोन में क्या इन फ्यूचर एंड्रॉइड 12 के साथ में कलर टूल का सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सब कुछ बात करेंगे फिर वीडियो के साथ में। तो यार हो सके तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फीडो के थ्रू आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। दिन फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू मे नो फायद आपको पता होगा ओप्पो A520 डिवाइस में F.12 का न्यू अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जिस अपडेट का वर्जन है PPH1933_11_F.12 एंड ये अपडेट हमारे फोन में 557 MB के साथ में प्रोवाइड हो रहे। जिस अपडेट के साथ में हमें जनवरी 2022 का न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारे फोन में जो भी बग एंड इश्यू देखने को मिल रहे थे उन्हें काफी हद तक फिक्स किया गया है कलर्स की तरफ से। एंड साथ ही साथ हमारे फोन के परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी में और भी ज्यादा इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। एंड ये अपडेट यहाँ पे हमें 30/12/2021 से प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गया था ऑफिशियली, बट पब्लिक रोल आउट यहाँ पे हमें अभी देखने को मिला। एंड आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपके फोन में F.12 का सपोर्ट मिला या फिर नहीं मिला। अगर ये बिट आपके डिवाइस में नहीं मिला तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, ये बिट आपके डिवाइस में अप्रोक्सीमेटली विद इन 7 to 10 days के पहले पहले रिसीव हो जाएगा OTA के थ्रू। अगर वही भी बात करें हम एंड्रॉइड 12 विद कलर 12 अपडेट के बारे में तो आपको पता होगा कलर की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है ओप्पो A520 डिवाइस में एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे फोन में ऑलरेडी 2 अपडेट्स देखने को मिल चुके हैं जो कि मेजर अपडेट के बारे में बात हो रही है। क्योंकि हमारा फोन एंड्रॉइड 9 पाई के साथ में लॉन्च हुआ था, हमारे फोन में एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिला, फिर एंड्रॉइड 11 का भी सपोर्ट देखने को मिल गया। अब हमारे फोन में एंड्रॉइड 12 के साथ में कलर 12 का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये ऐसा कुछ ऑफिशियल फंडा है कलर का या फिर ओप्पो का। अगर मैं भी बात करें अगर हमारे फोन में ऑफिशियली तरीके से एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या हम कस्टम रोम या फिर कैफे भी कलर 12 का सपोर्ट इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे फारे के फारे सिस्टम एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड कर चुके हैं। वहां पे आप विजिट करके अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हो कलर स्टोल के वर्जन में, जहां पे आपको कैलकुलेटर, कंपास, फाइल मैनेजर, फोन मैनेजर सब कुछ एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब ये सभी कुछ एप्लीकेशन आपको कलर स्टोल का सेम टू सेम इंटरफेस या फिर उसका यूजर इंटरफेस देखने को देंगे। अब वहीं पर बात करें आइकन स्टाइल के बारे में तो आइकन स्टाइल का भी फंडा मैंने आपको बताया था, आइकन स्टाइल फुली कलर स्टोल का आपको देखने को मिल जाएगा। आप हमारी प्रीवियस वाले वीडियो को वॉच कर सकते हो एंड उसका एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है। हालांकि आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा, आपको काफी ज्यादा ऊपर जाना होगा, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब कलर स्टोल का बिट लॉन्च हुआ था तभी मैंने कलर स्टोल के फारे सिस्टम एप्लीकेशन या फिर उसका फॉन्ट स्टाइल या फिर उसके आइकन स्टाइल का लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, तो आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा, वहां पे आपको ये बिट देखने को मिलेगा। अगर आपको इसकी जरूरत होगी तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं इसको पिन कर दूंगा एंड आप अपने फोन में कलर स्टोल के सिस्टम एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। एनीवे ये वीडियो आपको कैसी लगी आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो चली वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।